फल, सब्जियां और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसल कर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जी और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।